गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया पहुंचे हैं, लेकिन हम अखाड़ा का रुख फिर से रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ करते हैं, जहां पुतिन के ऐलान के बाद रूस में भगदड़ मची हुई है। लोग खौफ में हैं कि कहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़कर फौज में तो ना भर्ती कर दिया जाएगा। इस बीच एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है, जिसमें रूस से कई सारी फ्लाइट बाहर जाती हुई दिखी। ऐसा तब हुआ जब पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फोर्स को तैनात करने का आदेश दिया। ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइटर रेडार 24 ने एक तस्वीर जारी किया है, जिसमें रूस छोड़कर जाने वाली उड़ानें दिखी हैं। पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर रूस की अखंडता पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, और 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने की उन्होंने बात भी कही थी। उसी ऐलान के बाद से ही रूस से लोग बाहर निकलने लगे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वीडियो में देखिए कैसे रूस से सैकड़ों फ्लाइट्स बाहर जाती हुई दिख रही हैं। अब इस ग्राफिक्स में अगर आप पूछेंगे तो रूस के अंदर आवाजाही में बहुत सारे फ्लाइट्स रोज आना जाना होता है, लेकिन इस फ्लाइट ट्रैकर की खासियत क्या है और इन फ्लाइट्स की खासियत क्या है? फ्लाइट्स इस बात की है कि अचानक वहां से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से लोगों का रूस से बाहर निकालने का, और टिकटों की डिमांड बढ़ गई है। जैसे ही टिकटों की डिमांड बढ़ती है, दाम ऊपर जाते हैं, तो फिर फ्लाइट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स वही करते हैं। अब ये फ्लाइट ट्रैकर का ऐप है जहां पर यह दिखाया गया है कि कितने सारे विमान रूस से, मॉस्को से खासकर बाहर निकल रहे हैं, आउटगोइंग फ्लाइट्स हैं। दुनिया का सबसे हैवी ट्रैफिक में से माना जाता है मॉस्को में। दुनिया भर से फ्लाइट्स आती हैं जाती हैं रोजाना, दिन भर का ये एक पैटर्न है। लेकिन ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स की बढ़ गई है, क्योंकि टिकटों के दाम भी बढ़ गए हैं, डिमांड भी बढ़ गया है। हॉलिडे सीजन आने से पहले लोग तो जाते ही हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध पर कहीं विराम लगता हुआ नहीं लग रहा, और व्लादिमीर पुतिन के जो बदले हुए तेवर हैं, तीखे तेवर हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कई सारे रूसी मूल के लोगों के साथ साथ विदेशी मूल के लोग भी एहतियातन रूस छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं, और फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई लग रही है। अब वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भले ही 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने के आदेश दे दिए हों, लेकिन उनका यह फैसला कामयाब होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि रूस में इस फैसले का भारी विरोध भी हो रहा है। वहीं अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि पुतिन जिस रिजर्व फोर्स की बात कर रहे हैं वो इनके लिए किसी आपदा से कम नहीं होगा, क्योंकि रूस के सैनिकों की ट्रेनिंग कभी कभार ही होती है, उनको बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिलती है। रूस में पुतिन का टूटेगा भरोसा। रूस में पुतिन के साथ धोखा। पुतिन के खिलाफ बगावत किया। रूस में सड़कों पर जनता उतर आई है, एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ पड़ी है। बहुत सारे लोग अचानक से रूस छोड़कर या तो जाने लगे हैं या फिर पुतिन के विरोध में सड़कों पर उतर गए। राजधानी से लेकर अन्य कई बड़े शहरों में मुखालफत करने वालों की जमात बढ़ती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रूसी नागरिक इंटरनेट पर सर्च क्या कर रहे हैं उसे देखिए। हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, हाउ टू लीव रशिया। देखा आपने, कोई घर पर अपने हाथ तोड़ने की टेक्निक ढूंढता दिखा, तो कोई रूस कैसे छोड़ना है उसकी तरकीबें निकालता दिखा। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब पुतिन ने अपने ही देश के नागरिकों से मदद की गुहार लगाई, देश के लिए लड़ने का आह्वान किया, यूक्रेन के खिलाफ लामबंदी की घोषणा की और 3 लाख रिजर्व फोर्स की बात कही। इसके बावजूद रूस के कई नागरिक ऐसे हैं जो पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए। ये
कईयों ने देश छोड़ दिया। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई। ये पुतिन के ऐलान के बाद रूस के हवाई रूट की तस्वीर है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उड़ानों को रूस से बाहर जाते देखा गया। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन के ऐलान के बाद लोग देश छोड़कर जाने लगे। एक तरफ पुतिन अपने नागरिकों से युद्ध में साथ देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अमेरिका की तरफ से ट्विटर पर ताबड़तोड़ तीखी टिप्पणियां आई। अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी मार्क हर्डलिंग ने लिखा कि रूस के सैनिकों को कभी कभार ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कभी भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसके साथ ही अमेरिका के इस पूर्व सैन्य अधिकारी ने यह भी दावा किया कि पुतिन का 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसके आगे मार्क हर्डलिंग ने लिखा कि उनके देश में हर साल 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती होती है और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जबकि रूस में सामान्य प्रशिक्षण के बाद सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। अगर अमेरिका के इस पूर्व सैन्य अधिकारी के दावे को माने तो पुतिन का यह फैसला उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि रूस के सामान्य नागरिक बिना स्पेशल ट्रेनिंग के यूक्रेन के प्रशिक्षित लड़ाकों के सामने टिक नहीं पाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब रूस के सैनिक यूक्रेन में दम तोड़ते दिख रहे हैं। इसके साथ ही पुतिन के इस फैसले का विरोध भी तेज हो गया, जिसका अंजाम पुतिन के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि इन सब के बीच रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि उन्हीं नागरिकों की भर्ती होगी जो सेना की विशेष ट्रेनिंग ले चुके हैं। किसकी ट्रेनिंग है, किसकी ट्रेनिंग नहीं है, किसकी तैयारी है, किसकी तैयारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइओप्स का गेम भी है कि एक दूसरे को मानसिक तौर से कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर सके, तो इसको साइओप्स कहा जाता है। हालांकि पुतिन के पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। उन्होंने भाषण देते हुए पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया है कि 3 लाख फौजियों को यूक्रेन भेजा जाएगा। अब ये क्यों किया जाएगा? जैसे मैंने आपको कहा कि वो पट्टी है, उसको वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं और यूक्रेन का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं, रूस का भी नक्शा बदलेगा। अब माना जा रहा है कि इन 3 लाख फौजियों में 2 लाख रिजर्व सैनिक हो सकते हैं। रिजर्व सैनिक वो होते हैं जिन्हें केवल इमरजेंसी होने पर जंग के मैदान पर भेजा जाता है। इन रिजर्व सैनिकों को हथियार चलाना भी आता है, लेकिन ये दूसरे सैनिकों जितने पारंगत नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं होता उनका। जबकि जंग की शुरुआत से रूस के बहादुर सैनिकों को भेजा गया था, उनमें भी 55,000 सैनिकों की मौत का क्लेम कर रहा है यूक्रेन, हालांकि रूस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मतलब ये कि रूस ने अब तक 55,000 सैनिकों को खो दिया है। ये बहादुर सैनिक थे जो नहीं बच पाए, तो रिजर्व सैनिक कैसे बचेंगे, ये भी पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस के पास सामरिक तौर पर और सैनिक तौर पर सैनिक नहीं है, फोर्स नहीं है, फोर्स भी है, लेकिन ये रिजर्व फोर्स यूक्रेन की तरफ, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये रूस का एक पर्सपेक्टिव है। अब यही वजह है कि लोग रूस छोड़कर जाना भी चाहते हैं कि कहीं हमको जबरदस्ती फोर्स में ड्राफ्ट तो नहीं कर लिया जाएगा। अब किसी भी कीमत पर रूस छोड़कर निकलने पर तुले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अब अखाड़ा में बात करते हैं पुतिन के ऐलान की। रूस में पुतिन के संबोधन के बाद से ही लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। पुतिन के ऐलान ने न सिर्फ आम लोगों को बेचैन कर दिया है, बल्कि सेना से जुड़े लोगों में भी दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। अब खबर आ रही है कि पुतिन के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही छात्रों तक को युद्ध में जाने का नोटिस मिलने लगा है। लोग इस नोटिस को भी उन पर हुए किसी बारूदी हमले की तरह देख रहे हैं। रूस में लोग डरे हुए हैं। रूस में लोगों की नींद उड़ गई है। युद्ध के फरमान से लोग बेचैन हैं।